जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर पहुंचेंगे। वो बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यटन क्षेत्र में 1400 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं भी शुरू करने की योजना है, जिसमें श्रीनगर में हजरत बल तीर्थ का एकत्रित विकास भी शामिल है। राष्ट्र की नब्ज पहचानने की पहली राष्ट्रव्यापी पहल और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान का उद्देश्य भारतीय प्रवासियों को अतुल्य भारत बनने के लिए प्रेरित करना है। राजदूतों और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरे से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को राष्ट्रीय तिरंगे से सजाया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बलों की पैदल गश्त तेज कर दी गई है। मार्ग के किनारे के स्कूल बंद हैं और हाई प्रोफाइल कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। श्रीनगर पुलिस ने शहर में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की उड़ान पर अस्थायी प्रबंध लगा दिया है। इस अवधि के दौरान ड्रोन संचालन के लिए श्रीनगर को अस्थायी रेड जोन नामित किया गया है और शहर में सभी अनधिकृत ड्रोन संचालन ड्रोन नियम 2021 के नियम 24(2) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किए जा सकते हैं। किसी भी विध्वंसक गतिविधियों के लिए इन जल निकायों के उपयोग को रोकने के लिए झेलम नदी और डल झील में समुद्री कमांडो तैनात किए गए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा है कि वो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में पीएम मोदी की पहली रैली में लगभग 1,00,000 लोगों को शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। बख्शी स्टेडियम में होने वाली रैली में जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से लोगों के आने की उम्मीद है। पार्टी नेताओं ने पिछले सप्ताह एक बैठक में तैयारियों पर चर्चा की, विभिन्न विभागों को कार्य सौंपे और लामबंदी के प्रयासों का आग्रह किया गया।